तो कैसे आप लोग इंशाल्लाह अच्छे हैं, खुदा के फजल पर से हम भी अच्छे। तो गाइस देखो मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह उठे थे फजर सहरी पे, हम लोग सहरी करें फिर सो, फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अभी बैठी, अभी मैं आप लोग को कहाँ जाने वाली थी। देखो मैं भी सहरी करके चली गई थी आप लोगों को मॉर्निंग के सुबह में, जाके आई देखो फ्रूट लेके आई, मार्केट गई थी, मार्केट से डायरेक्ट गई, आप लोगों को दिखा नहीं सकी, जरा लेट हो गया था, जल्दी भागी। तो देखो क्या लाई मैंने, करिंगन लाई, खरबूजा लाई घर के लिए, सब फ्रूट लेके आई। तो एक बार लेके आए तो आप जानेगा महीना भर इसके लिए सब लेके आए, मुझे खुल रहा है रोज रोज कौन लेके आएगा ना, तो सब लेके आए। तो आप लोग को आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वैसे मुझे वक्त नहीं मिल रहा था तो इसके लिए मैं वीडियो में नहीं आ पाया, आप लोग ने बहुत याद किया मुझे, अम्मी भी आज गई थी मार्केट, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। और रमज़ान का महीना भी शुरू है माशाल्लाह, सब इबादत का महीना, तो रोज़ा भी काफ़ी धूप चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से रोज़ा भी लग रहा है, बहुत रोज़ा लग रहा है। और सब अम्मी ने भी फ्रूट्स वगैरह लिखे हैं, खरबूजा कैलिंग, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखो गाइस मेरे बहू बेटे को तुम लोग याद कर रहे थे ना, तो देखो आज इम्तियाज की, इम्तियाज को लेट जाने का है ना, तो इसके लिए आज दोनों जन जन बैठे आज बात करते हैं। तो मेरे यार तुम लोग जरा यूट्यूब में आ जाओ, पब्लिक तुमको बहुत लोग याद कर रहे हैं। तो देखो मेरे बच्चे लोग को, और मार्केट गई थी मैं, देखो फ्रूट लेके आ गई रोजे के लिए, अभी कल जुम्मा भी है, कल बहुत से काम रहेंगे, तो अभी आप लोगों को दिन भर की रूटीन बाद में मैं दिखाती हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ मैं शामी कबाब बनाने वाली हूँ। तो देखो मैंने 1.5 किलो गोश्त ली थी और 100 ग्राम तुअर की दाल ली थी, दोनों मिला के उबाल के देखो मैंने मिला के पीस डाली, ये इसमें कि गोश्त और तुअर की दाल, अक्की लाल मिर्ची, कांदा, अदरक लहसुन ये सब मिला के उबाल के इसको सुखा के इसको पीसी में, यानी वो पीसने के बाद में ये ऐसा हो गया। अब इसमें शामी कबाब में मैं क्या क्या मिलाने वाली हूँ आप लोग देख, तो ये गोश्त और दाल पीसी हुई है, इसमें मैं पलटे डालती हूँ। तो ये शामी कबाब का मसाला है, ये देखो 2 प्याज की गड्डी है, कांदा, कोथमीर है, ये पुदीना है, 1 चम्मच कुटी मिर्ची, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मिला के इसके रखी में बोल। तो इसके अंदर अभी मैं क्या मिलाएंगी, मैं पहला मिलाती इसमें कांदा, ये तो कांदा है, और एक अंडा भी रखी लेगा, अंडे का भी रखी, ये मसाला भी इसमें आप लोग मिला देंगे, फिर ये कोथमीर और पुदीना डाल दी, मसाले भी डाल दी हूँ, और ये कोथमीर पुदीना है ये भी मैं इसमें डालूँगी। नमक सॉफ्ट आपने आपकी जितना लगे उतना वो हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक, इसके हाथों की मदद से इसको पूजा अच्छे से मिला ये अच्छा करके, तो शामी का आपको मिला के बनाएंगे, तो एक लंबा रखा है, इसमें थोड़ा सफ़ेद नमक भी मैं डालती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं और तेज़ आता है, थोड़ा सा डालेंगे ज़्यादा नहीं। तो सफ़ेद नमक डाल के हाथों की मदद से आप लोग से अच्छा इसने मिला है, देखो तो पूरा सूखा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा पानी डालूँगी अच्छे से इसको मिला देंगे, मिलाइए इतना अच्छे से शाही कबाब पीस के रखी थी ना, अच्छा भुरभुरा हो गया, इसके लिए गिरा करने का है। तो अब इसके कबाब के अपने शामी कबाब गोल गोल बना के तो आप लोग दिखा रहे, मैं
ये देखो मेरा ये हो गया है मतलब मसाला बना के, अभी अपने हाथों की मदद से देखो मैं कबाब पे कबाब बना रही हूँ, चाट कबाब। ये देखो ऐसे अपने सब बना बना के रखने का करने के टाइम पे पानी लगा के देखो ये हाथों की मदद से अपन बना के ये तलने के टाइम में ये अंडा ऐसा लगा के अंडा लगा लगा के शामी तब तवे में छोड़ दें, तो ये इसको बोलते हैं शामी। तो आप लोग फ्राई कर दें कि सुनने बताती हूँ क्या बोलते हैं। तो हाय गाइस, देखो मैं आप लोग को बोल रही थी ना शामी कबाब बनाने वाली हूँ, तो देखो मेरा शामी कबाब बन के देखो तैयार हो गया है। अभी देखो इसको अंडे इसको फ्राई करे जा रहा है, तो अभी देखो शामी कबाब माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। देखो मेरी भाव फ्राई कर रही है, तो अभी फ्राई होने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ, डालने के लिए फिर दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो देखो गाइस शामी कबाब मेरी भाव देखो कैसे अंडे में डुबा के देखिए, देखो फ्राई हो रहा है, देखो कैसा अच्छे से। देखो मुझे दाल दिखी थी, अभी दाल से आप लोगों को दिखा रहे थे, अरे ये अंडे मेरे डुबाने का फिर इसको फ्राई करना है। ये देखो ये बाकी के फ्राई हो चुके हैं, या देखो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह, बाकी देखो हो चुके हैं, अभी बाकी के फ्राई कर चुके। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही, कितना अच्छे से बन चुका है। तो मिलती है आप तारीख के डाल। तो गाइस देखो अभी फूल काट रही हूँ, मुझे मेरी बहुत भजिया बना रही है, मैं जब फूल काट रही हूँ। तो गाइस देखो टाइम भी हो गया रोज़ा खोलने का, तो रोज़ा खोल के फिर मैं आप लोग को ईरम भी छील रही है क्या संतरा 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 मेरी। ये देखो कलिंगर की कटिंग चालू हो गई, दादी मैं अभी 6:15 बज गया ना, रोजे की तैयारी हो रही है, हो गया टाइम, अभी आधा घंटा 35 मिनट बाकी बचा है। ये देखो खरबूजा है, कलिंगर है, सब कटिंग हो रही है, तो फिर बाद में मिलते हैं आप। हमारा कलिंगर अरे अल्लाह हमारे जवान पर कलमा तैयबा हमेशा जारी रख, अरे अल्लाह हमें पूरी रमजान की नियामत से वो बरकत से मालामाल फरमा, अरे अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे, अरे अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। अभी चाय पी रही है, स्पेशल चाय मस्त मेरी भाव बनाई, सब चाय पीते बैठे आया सो रही है, ये देखो सब चाय पी रहे हैं अभी। चाय रोजा खोलना चाय पीना चाहिए, इतनी सुस्ती आ रही ना, हम थोड़ा सोती नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ने लगा तो उसके बाद में मिलते हैं। सब भाइयों आज हम लोग सुबह सहरी करके गए थे मार्केट, बोलने मार्केट गए थे, वहाँ से फ्रूट वूट लेके आए हमारी फैमिली के लिए। उसके बाद थोड़ा दोपहर में नमाज वहाँ पढ़ के आराम करें, उसके बाद शामी कबाब की बताई थी रेसिपी बताएं, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं दुआ में याद रखो, अगर रमजान का महीना है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, हर इंसान भी इबादत में है, और माशाल्लाह आज आठ और हो जाओगे, आठ हो जाओगे आज सब का इस अच्छे से हो जाए, नौ हो जाओगे। तो गाइस फिर मिलते हैं कल, खुदा वीडियो में अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज। वो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, लाइक करो शेयर करो दुआ में याद रखो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।